जीवन में हमें सब कुछ मिल गया, जीवन में हमें सब कुछ मिल गया और कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन ये जगत का नियम है, भले ही व्यक्ति को जितना जो कुछ मिल जाए लेकिन तृष्णा कभी नहीं मिलती। इसलिए कहते ना कमाई, कमाई मतलब क्या, कम हाई और ज्यादा आनी चाहिए, कमाई कमाई। इसलिए आप बताओ ऐसे कौन सा कमाई है जिसको पाने के बाद इसको ऐसे लगे जीवन में हम सब कुछ हो। ये इनका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, बोले पुरुष से जब कर्तव्यम भैया मानस सर्वधर्म, मतलब ये जगत में आने पर सबको मरने पड़ेगा। जगत में से कोई नहीं बोल सकता मैं जो नहीं मरूंगा, एक दिन सबको मरना पड़ेगा ही। इसलिए जिसको मरना पड़ेगा फिर उसका क्या करना। जब उन्होंने प्रश्न किया उसको एक श्लोक कहते हैं, बोले तस्मात सर्वात्मन राजन भगवान हरीश्वर कर्तव्य कृतव्य स्मर्तव्य इच्छता अभयम। अगर कोई जीवन में अभय पाना चाहते हैं जीवन में उसको क्या करनी चाहिए, तो तस्मात सर्वात्मन राजन भगवान हरीश्वर। इसलिए बोले भक्ति दो तरह के, कितना तरह की भक्ति है, कहते एक राग भक्ति और एक वैद्य भक्ति। इसलिए जो वैद्य भक्ति को ज्यादा करता है, वैद्य भक्ति मतलब क्या होता है, जो विधि विधान को लेकर के चलता है, ये कर्तव्य ये अकर्तव्य, ये करने से ये होता है ये करने से ये होता है, शास्त्र का शासन को मान करके चलते हैं, कहते वैद्य भक्ति। कहते जो वैद्य भक्ति है कहते वो भगवान को क्या मानते हैं, तस्मात सर्वात्मन राजन है, कहते भगवान हरीश्वर। कहते वो जो वैद्य भक्ति मानते हैं फॉलो करते हैं वो किस रूप में भक्ति करते हैं, कहते जो भगवान घटघटवासी है, ये सर्व कारण का कारण है, इनकी इच्छा पर जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, जगत का यही मालिक है। लेकिन जो राग भक्ति को ज्यादा करते हैं कहिए भगवान हरीश्वर, कहिए भगवान को अपना है, जैसे सखा मान करके कोई, कोई उनको बेटा मान करके, कोई उनको प्रियतम मान करके उनको भक्ति करते हैं, जिनकी स्वाभाविक रूप में इष्ट सारा सिखी राग भगवान में, इनकी स्वाभाविक इनका प्रेम होता है। इसलिए सबको क्या करनी चाहिए, स्वतव्य कृतितव्य समर्तव्य इच्छता अभयम। अगर कोई अभय पाना चाहते उनको तीन काम करनी चाहिए, कितना काम, क्या किया, बोले स्वतव्य भगवान की कथा उनको सुननी चाहिए, दूसरा काम क्या करनी चाहिए, भगवान का उसको कीर्तन करनी चाहिए, बोले तीसरा काम क्या करनी चाहिए, भगवान को स्मरण करनी चाहिए। उनको ये तीन काम, भगवान की कथा सुना, भगवान का कीर्तन करो और भगवान की स्मरण करो, तीन भक्ति बताए। इन तीनों भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है, ये बीच में बोले कीर्तन, ये कीर्तन कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कीर्तन करने से उनका तीन काम हो जाता है। जैसे हम जब कीर्तन करते हैं बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, इसमें तीन काम हो गए। बोले तीन काम क्या हो, जब हम कीर्तन किया यही कानों में प्रवेश किया, श्रवण हो गया, और जिसको कीर्तन किया वही स्मरण हो गया। इसलिए कलयुग में विशेष करके, तो कलयुग में नहीं कहते हर युग में ये कीर्तन का महिमा, तो कलयुग में नहीं, सत्ययुग में देखो श्री प्रहलाद महाराज क्या करते थे, बच्चों को लेकर के हरि कीर्तन करते थे, हैं वो भी हरि कीर्तन करते थे, और ओम नमः भगवते वासुदेवाय तो भी यही मंत्र थे। इसलिए सत्ययुग में भी कीर्तन की महिमा थी। त्रेतायुग में श्री हनुमान जी रघुपति राघव राधा रघुपति सीता में भी कीर्तन था। द्वापर युग में भी ये कीर्तन नारद जी कीर्तन करते थे।
और कलयुग में तो कीर्तन है ही, इसलिए उनको क्या जो तीनों भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है यदि ये भगवान की ये कीर्तनाथ की भक्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और कीर्तन के द्वारा क्या होता है, जैसे आप सुन रहे हो करते करते कुछ हो जाता है, और स्मरण करते करते तो पूरा ही लेट जाता है। अगर स्मरण करने के लिए बैठते पूरा सत्ता दिन चल जाता है, लेकिन अगर थोड़े कीर्तन कर दो ना देखना जो सोए हुए व्यक्ति भी जग जाती है, और थोड़ी सी कीर्तन कर लो शरीर में एकदम एनर्जी आ जाती है। थोड़ा खड़े खड़े होकर कीर्तन कर लो सारे भीत भीत काम भग जाएगी, हाँ सारे भीत भीत काम भग जाएगी। इसलिए बोले तो यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले आप कैसे कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ बता दिया, ये कीर्तन तो आसान ही है, लेकिन देखो जो स्मरण करना है ना बड़ा कठिन है। स्मरण करने के लिए बैठो आसन लेकर के है अच्छे तरह से आचमन करते हुए अब देखना स्मरण करने के लिए बैठना, मन को सारी इंद्रियों को एकत्रित करके कहीं जा करके स्मरण कर सकते, हाँ स्मरण सबसे कठिन है। बोले आप कीर्तन को कैसे श्रेष्ठ बता दिया, तब यहाँ पर बताए कोई चीज कठिन है इसलिए आप उसको श्रेष्ठ नहीं बता सकते। जैसे एवरेस्ट में चढ़ना भी तो बड़ा कठिन है, इसलिए क्या बताइए भैया वो सर्वश्रेष्ठ है, हाँ नहीं कहते, लेकिन कीर्तन करने से जैसे कीर्तन है बीच में ये कीर्तन है श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जो कीर्तन बीच में ये क्या करता है, ये दोनों को मदद करता है, जो बीच में ये दोनों को मदद करता है, ये कीर्तन मदद करता है, मदद करता है। जैसे आप ध्यान के लिए ध्यान में बैठो, कोई ध्यान करने के लिए बैठे अगर जोर जोर से करताल लेकर कुछ बजाना शुरू कर, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कोई गुरु मंत्र जप करने के लिए बैठा अगर जोर जोर से कीर्तन करना शुरू कर तो कर सकता है, बोले क्या कर रहे हो, हम यहाँ पर गुरु मंत्र करने के लिए बैठे हो, हम बैठे हो तुम क्या कर रहे हो कीर्तन कर रहे हो, हैं इसे देखना कीर्तन करने पर क्या होता है, उस समय वो जो बैठा है उसको तोड़ देता है इसको। जैसे श्रवण करने के लिए बैठे हो भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हो, अब देखना जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर जोर करना, भले या कथा हो रही है कि जोर जोर से हरे वो कथा भी नहीं सुन सकता है, क्योंकि जो कीर्तना के जो व्यक्ति है उनके पावर अपने पावर है वो सबको तोड़ देता है, सबको ये तोड़ देता है। और दूसरे भक्ति करते समय सुनते और स्मरण करते समय मन इधर उधर जा सकता है, इसलिए आप कीर्तन करो मन कहीं कहीं नहीं जाए। इसलिए बोले श्रोतव्य कीर्ति तपस्य स्मर्तव्य इच्छता अभय, अगर कलयुग में कोई अभय बनना चाहते हैं परम शांति बनना चाहते सर्वसिद्धि बनना चाहते उसको क्या करनी चाहिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सच्चिदानंद गौर हरे।